गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, असी मैनेजमेंट विषय का टॉपिक नंबर 7 जिहड़ा कि पहले चैप्टर का प्रबंधकी हुनर अते निजम अज असी पढ़ांगे। प्रबंधकी हुनर अते निजम नू असी मैनेजर दे गुण भी आखदे हां। प्रबंधकी हुनर ते निजम सब तो पहला असी पढ़ांगे कि हुंदे की आ। प्रबंधकी हुनर अते निजमां तो की भाव है? ये उन्हां निजमां दी एक लड़ी हुंदी आ जिहड़ी कि किसी भी मैनेजर नू फॉलो करने पैंदे आ जदों वो अपनी कंपनी के प्रबंध को चलाउंदा आ। ये जिहड़े निजम वा ये कोई थरोटिकल निजम नहीं हुंदे, भाव ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुंदा जिहड़े उन्हूं फॉलो करने ही पैंदे आ। ये उहदा आपदा हुनर हुंदा आ, मैनेजर की खुद की आपदी क्षमता, मैनेजर की खुद की अपनी काबिलियत हुंदी आ जिहदे दम दे उत्ते मैनेजर अपनी कंपनी की जिहड़ी सफलता आ उन्हू निर्धारित करदा आ। इस करके असी इहनू मैनेजर दे गुण भी आखदे आ। तुहानू पेपर दे विच दो तरह आ सकदा है कि प्रबंधकी हुनर अते निजमां तों की भाव है, जां फिर किसी मैनेजर दे गुण लिखो। मैनेजर दे गुणा दे विच सब तो पहला है तकनीकी हुनर। तकनीकी हुनर जिवें कि नाम तो ही पता चलता है कि तकनीकी हुनर की है कि किसी भी कंपनी दे विच मैनेजर नूं कंपनी दे विच जो जिन्नी भी तकनीकी मशीनरी आ उस दे बारे जानकारी हासिल होनी चाहिए आ। क्योंकि मैनेजर अगर उसनू खुद अपनी कंपनी दे विच वरतियां जान दियां तकनीकां जिवें कि असी मशीनां, संद, कंप्यूटर, इन्हां तकनीकी पदार्थां दी जानकारी उसनू खुद नूं नहीं होवेगी तां उह हेठले पद्धर दे मैनेजरां नूं उहदी जानकारी देण दे विच असमर्थ होवेगा। ते इन्हां दी जानकारी होण दे नाल ही जिहड़ा मैनेजर वा उहदे तकनीकी हुनर दे विच वाधा भी होवेगा ते उह अपने आप दे विच एक तरह का सैल्फ कॉन्फिडेंस जिहड़ा आ उहदे विच ज़्यादा डिवेलप होवेगा। नंबर 2 ते है मनुखी संबंध हुनर। मनुखी संबंध हुनर तो भाव है कि जिहड़ा मैनेजर आ उसका सुभा इहो जिहा होना चाहीदा आ कि वह अपने कंपनी दे विच जिहड़े काम करन वाले कर्मचारी आ उन्हां दे नाल उहदे जिहड़े संबंध आ वह चंगे होण। क्योंकि मैनेजर ने ही अपने कर्मचारियों कोलों काम लैना हुंदा आ ते उसकी योग्यता इस हिसाब दे नाल होनी चाहीदी है कि वह अपने कर्मचारियों कोलों मिल जुल के उन्हां कोलों काम लै सके। क्योंकि हरेक कर्मचारी की योग्यता जिहड़ी वो वक्खो वक्खरी हुंदी, हरेक कर्मचारी का सुभाव भी वक्खो वक्खरा हुंदा है। इसलिए मैनेजर नूं किसी कठोर किस्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसनूं हालातों के अनुसार अपने सुभाव नूं बदलण दी उस दे विच काबिलियत होनी चाहिए आ। हरेक किस्म के सुभा के व्यक्ति नाल उसनूं डील करना पैंदा है, इसलिए उन्हूं उस तरह के नाल ही अपने सुभाव नूं जिहड़ा मोल्ड करना आना चाहिए है। नंबर 3 ते है गलबात हुनर। गलबात हुनर भाव कि जिहड़ा मैनेजर आ उसनू गलबात करन दे तरीके का पता होना चाहिए है। क्योंकि जिहड़ा मैनेजर आ उसने ही कंपनी दियां पॉलिसीज़ अते प्लैनस जिहड़ियां कि टॉप लैवल मैनेजमेंट ने बनाईयां हन उन्हां नू मिडल लैवल मैनेजमेंट दे विच कन्वे करना हुंदा है। ते अगर उसनू अपने बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स दे नाल गलबात करन दा नहीं पता होवेगा तां फिर उस दी जिहड़ी इमेज आ उह खराब होवेगी ते उह गल्लां नू चंगी तरह पॉलिसीज़ नू ते प्लैनस नू चंगी तरह समझ नहीं पावेगा ते अपने हेठले पद्धर दी मैनेजमेंट नू भी उह पॉलिसीज़ ते प्लैन समझा नहीं पावेगा। इस लई उस दा गुण अजिहा होना चाहिए, उस दे जिहड़ा गलबात दा हुनर आ अजिहा होना चाहिए कि वह चंगे तरीके दे नाल हरेक किसी दे नाल जिहड़ियां पॉलिसीज़ ते प्लैन वा उहनां नू समझ भी सके ते कन्वे भी कर सके। नंबर 4 ते है सिद्धांतक हुनर। सिद्धांतक हुनर के कंपनी दे विच जिहड़े इंप्लीमेंट करन वाले सिद्धांत हुंदे आ उहनां सारे सिद्धांतां दी उसनूं जानकारी होनी चाहिए आ। उसनूं पता होना चाहिए आ कि कंपनी दे विच किहड़े किहड़े सिद्धांत लागू करन दे नाल कंपनी दे विच जिहड़ा ज़्यादा उस कंपनी दी पैदावार वध सके उस कंपनी दे लई किहड़े सिद्धांत ज़्यादा लाभदायक होणगे। हरेक किस्म की सिचुएशन दे विच उन्हों सिद्धांतां नूं लागू करना ते सिद्धांतां नूं लागू किए हुए सिद्धांतां नूं हटाउणा उसनूं आउणा चाहीदा है। नंबर 5 है निर्णा हुनर। निर्णय दे जिवें कि नाम तो ही पता चलता निर्णय का मतलब हुंदा है कि डिसीजन। मैनेजर अजिहा होना चाहीदा कि उसनूं हरेक समय के उत्ते डिसीजन लैणा निर्णा लैण की उस विच काबिलियत होनी चाहीदी आ।
ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।